बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है सैयद अब्दुल मोमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स ये देखें, ये प्लास्टिक का फ्रेम है। ये इस प्लास्टिक फ्रेम में हम -7 नंबर लगाएंगे। ये वाइट सीआर हार्ड कोट, ये ग्रीन मल्टी सीआर, ये देखें ये ग्रीन मल्टी, ये ग्रीन मल्टी सीआर हम ये प्लास्टिक फ्रेम में लगाएंगे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। फ्रेंड्स ये देखें, ये -7 नंबर का शीशा, ये कितना मोटा है और अंदर से बारीक है। ये देखें इसकी मोटाई देखें, अंदर से ये फुल बारीक है और ये मोटा शीशा, ये 7 नंबर का शीशा। हम इस प्लास्टिक फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे, हमने किस तरीके से ये मोटा ग्लास हमने इस प्लास्टिक फ्रेम में फिट करना है। ये देखें अभी हम इसका जो है गट्टा काटेंगे। ये देखें किस तरीके से जो हमने निशान लगाना, ये देखें हमने ये फ्रेम के हिसाब से निशान ले लिया। अब हम कैंची से ये गत्ता काटने का तरीका बताएंगे, हमने किस तरीके से ये कैंची से गत्ता काटना है। ये देखिए हम टिक्की से थोड़ा सा आगे रखी हमने, ये देखिए हमने टिक्की से आगे रख के गत्ता काट लिया। अब ये देखिए फ्रेम में ये बिल्कुल बराबर ये फिट होगा। ये देखें ये बिल्कुल फ्रेम में फिट हो गया। अब हम इसके हिसाब से हम -7 नंबर के ग्रीन मल्टी सीआर का शीशा काटेंगे। ये देखिए ये काटने का तरीका, हमने इस तरीके से कलम से हमने प्लास्टिक शीशे को हमने ये काट लिया। दोनों शीशे काट लिए। इस फ्रेम में पहले हम कटिंग करेंगे, कटिंग करके इस प्लास्टिक फ्रेम में फिट करने का तरीका बताएंगे, हमें किस तरीके से। ये बारीक सा फ्रेम है प्लास्टिक का, इसमें -7 नंबर का शीशा, ये मोटा शीशा फिट करना है, वो आपको तरीका बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये देखें अब हम ये -7 नंबर का शीशा ब्लेड से काटने का तरीका बताएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने, ये देखिए अंदर से कितना बारीक निकला है और ये मोटाई है इसकी, और ये काटने के बाद ये कितना बारीक शीशा निकला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ब्लेड से शीशा काट लिया। अब हम शीशे की रगड़ाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम ये प्लास्टिक फ्रेम में ये सीआर का शीशा फिट करेंगे। ये देखिए उसकी रगड़ाई का तरीका, हमने इस तरीके से प्लास्टिक शीशे को हमने रगड़ना है।
फ्रेंड्स हमने फ्रेम के साथ शक पूरा करके फिर हमने जो है इसकी लाली बना ली है। लाली बनाने का तरीका इस तरीके से हमने शीशे की लाली बनानी है। अभी फ्रेम के हिसाब से क्या हमारा बड़ा है ये देखिए। अभी हम शीशा फिट करेंगे। ये देखिए हमने ये शीशा फिट कर लिया फ्रेम में। ये देखिए आपके सामने एक मिनट लगा और फ्रेम के अंदर मटाई है और बाहर से आपको नज़र भी नहीं आएगी। ये शीशा फिट करने का तरीका है। अब हम राइट वाला शीशा फिट करेंगे। हमारा शीशा पूरा हो गया होगा। अभी बड़ा शीशा हमारा बड़ा है। हमने टाइट फिटिंग नहीं करनी। टाइट फिटिंग करेंगे तो हमारा शीशा फ्रेम टूट सकता है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा शीशा पूरा हो गया है तो और फिटिंग चेक करेंगे और कहीं से भी खला नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर फिट है। ये फिटिंग करने का तरीका है और मोटाई हमने फ्रेम के अंदर रखी है। ये देखें ये अलगमारी तैयार -7 नंबर की। फ्रेंड अगली फोटो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।